हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं शॉर्ट एंड सिंपल द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th के बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और उसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, दैट इज योर सीवेज ट्रीटमेंट। तो आज के जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे गवर्नमेंट सीवेज वाटर को ट्रीट करती है। तो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है आज हमारा, वो है सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीवेज क्या होता है और हमें सीवेज को ट्रीट करने की क्यों जरूरत है। तो आपको पता है, अगर मुझे सिर्फ सीवेज को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज सीवेज, तो सीवेज को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? सीवेज इज अ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ पीपल। यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर एक कम्युनिटी ऑफ पीपल्स है, वो डेली कितना वाटर वेस्ट करती है, जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। तो सीवेज बेसिकली क्या है? अगर मैं इंडिया एक स्टडी की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर स्टडी से हमें ये पता चला है कि एक एवरेज इंडिविजुअल एक दिन में जनरली 50 से 70 गैलन ऑफ वाटर का वेस्ट करता है। यानी हर डे एक इंडिविजुअल क्या करेगा, 50 से 70 गैलन ऑफ वाटर को वेस्ट करता है। अब अगर सिंपल एक आदमी इतना वाटर मतलब वेस्ट करता है, तो अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में क्या है, 135 करोड़ लोग रहते हैं। तो एक अगर आदमी जनरली आपके 50 से 70 गैलन ऑफ वाटर यूज करता है, तो 135 करोड़ डेली कितना ज्यादा वाटर वेस्ट करता है। अब ये जो वेस्ट वाटर है, अगर हम इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर पोर कर दें, वाटर बॉडीज का मतलब जैसे रिवर, पॉन्ड, सी, इनके अंदर इन वेस्ट वाटर को डायरेक्टली पोर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, क्योंकि इन वेस्ट वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। सीवेज, अगर सीवेज वाटर की बात करें, तो सीवेज वाटर में कार्बनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, यानी जो बायोलॉजिकल वेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, जो कि जनरली क्या है, वाटर बॉडीज को बहुत ज्यादा पल्यूट कर देगी। और अगर वाटर बॉडीज पल्यूट हो जाएंगे, तो उसके अंदर जितने भी वाटर क्रिएचर्स हैं, वो भी धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाएंगे, उनकी वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आपका डेली सीवेज वाटर आता है, उस सीवेज वाटर को पहले सीवेज प्लांट के अंदर ट्रीट किया जाता है, उसको इतना ज्यादा फेवरेबल बनाया जाता है कि उसको हम वाटर बॉडीज के अंदर पोर कर सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम सीवेज वाटर को ट्रीट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स को हम जान लेते हैं, तब हम जाके इस पॉइंट्स में इस डायग्राम की तरफ जाएंगे। बेसिकली मैंने इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बना के रख दिया है, जिससे कि आपको समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा, रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार इस फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप होके जाते हैं, एक बार इस फ्लो चार्ट को देख लेंगे, ऐसे ही आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप किसी एग्जामिनर को विद फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम के थ्रू बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको समझ पाना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम सब समझ लेते हैं सीवेज के बारे में, उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे। तो जनरली अभी मैंने आपको बताया कि सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है प्रोड्यूस बाय द कम्युनिटी ऑफ पीपल। तो क्योंकि वेस्ट वाटर होता है, तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कार्बनिक सब्सटेंस है या बायोलॉजिकल वेस्ट है, वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। तो जब वाटर बॉडी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट, तो जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सीवेज वाटर है, उसका बीओडी हाई होता है। तो बीओडी का यहां पे क्या मतलब है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर मुझे बीओडी डिफाइन करना हो, तो मैं बीओडी कैसे डिफाइन कर सकता हूं, बीओडी इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू डीकंपोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर और बायोलॉजिकल सब्सटेंस। यानी वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्वड हैं, जो कार्बनिक वेस्ट डिसॉल्व हैं, उसको डीकंपोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितना डिसॉल्वड ऑक्सीजन चाहिए। बिकॉज़ क्या है, जैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने से क्या है, वाटर के अंदर जो डिसॉल्वड ऑक्सीजन था, उसका अमाउंट लो हो गया है। तो अब क्या है, जब उसके अंदर कार्बनिक सब्सटेंस ज्यादा है, तो बैक्टीरिया को उसको मतलब फ्रेगमेंट करने के लिए, उसको डीकंपोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कितना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर किसी वाटर का बीओडी
बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब ये है कि वो जो वाटर है हाईली पोल्यूटेड कंडीशन में, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको समझेंगे, यानी बीओडी जितना कम होगा वाटर उतना प्योरिफाइड होगा, वाटर जितना ज्यादा बीओडी वाला होगा वो उतना ज्यादा पोल्यूटेड होगा। तो अब क्या होगा, जो हमारा सीवेज वाटर है उसका ऑलरेडी बीओडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसका बीओडी हाई है यानी उसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा लेस है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बीओडी को यानी उसके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करना है, वो भी इस लेवल में ताकि हम उसको वाटर बॉडी के अंदर पोर कर सके। तो अब हम इसमें करते क्या हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर को ट्रांसफर किया जाता है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, यानी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं जहां पर हम सीवेज वाटर को पहले पहुंचाते हैं। वहां पर क्या होगा, एक बहुत बड़ा टैंक होगा, उस टैंक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो जैसे ही हम सीवेज वाटर को प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर पोर करते हैं, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि वाटर बॉडी के अंदर जो हम पानी निकाल रहे हैं, उस पानी के अंदर क्या होगा, फ्लोटिंग डिब्रिस। फ्लोटिंग डिब्रिस का क्या मतलब होता है, जो हल्की चीजें जो तैरती रहे, बोतल हो गया, छोटे छोटे कैंस हो गए या पत्ते हो गए, दीज आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग डिब्रिस। तो कुछ फ्लोटिंग डिब्रिस हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो ये क्या होगी, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। बट उसके अलावा क्या होगा, मिट्टी हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, जो क्या होंगे, सॉइल एंड स्मॉल पेबल बिकॉज ऑफ हैवीनेस, ये क्या हो जाएंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको रिमूव करना होगा, क्योंकि हमें आगे वाटर को भेजना है, तो हम सिंपल ऐसे वाटर को नहीं भेज सकते जिसके अंदर फ्लोटिंग डिब्रिस या पेबल्स या फिर हमारे सॉइल है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है इनको फिजिकल रिमूव करना। तो सबसे पहले जब हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर इसको डालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस, सॉइल्स एंड पेबल्स, यानी हम इसको फिजिकली रिमूव करते हैं। तो फिजिकली रिमूव करने का तरीका क्या है, इसके अंदर हम जैसे फ्लोटिंग डेब्रिस है, फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, इसको सिंपल फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने से क्या है, जो भी ऊपर वाली चीजें हैं ये हमारी एकदम सीधे बाहर आ जाएगी। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाते हैं, क्योंकि ये हैवी है ये सॉइल और पेबल, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो हैवी चीजें हैं वो अचानक से अपने आप क्या होगा, नीचे एकदम बैठ जाएगी। तो नीचे बैठ गई तो ये जो हमारा ये ऑलरेडी जो सेडिमेंट है ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको हमने फिजिकली रिमूव कर दिया बिकॉज़ बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ये नीचे बैठ गया है, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ये डार्क ब्लैक वाटर, इसलिए मैंने इसको डार्क डॉटेड लाइन से डिनोट कर रखा है। तो ये जो हमारे पास बच रहा है दैट इज डार्क ब्लैक वाटर। डार्क ब्लैक क्यों होगा, बीओडी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, इसके अंदर कार्बनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये हाईली polluted water है। तो अब यहां पर क्या, इसका BOD high है, जो sedimented है वो नीचे बैठ चुका है। तो primary treatment हम क्या, हमने क्या किया, physically जितने भी चीजें हैं, जैसे physically हमने floating debris और sediment से इन सबको नीचे बिठा दिया है। तो this is called as primary treatment. तो primary treatment is nothing but the physical removal of floating debris, pebbles and soil, ठीक है। तो अब जब ये सब चीजें हम हटा चुके होंगे, तो हमारे पास ये डार्क वाटर बचेगा, इस डार्क वाटर को हम बोलते हैं प्राइमरी effluent। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्यूलेंट बोलेंगे, क्योंकि इसका क्या है, बीओडी बहुत ज्यादा हाई है, यानी इसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि इसका बीओडी इतना ज्यादा हाई है कि अगर इसको हम वाटर बॉडी में डालेंगे तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स लाइक फिश हो गया, स्नेल्स हो गया, वो इस वाटर के अंदर मर सकते हैं, ठीक है। या सपोज करो अगर उसी वाटर का कोई ह्यूमन मतलब कि पीने में, या फिर गांव में हम क्या करते हैं, गाय भैंस को ले जाते हैं पानी वानी पिलाने के लिए, तो ये वाटर अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनकी डेथ हो सकती है। अगर ह्यूमन कॉज करता है तो ह्यूमन में भी symptoms disease cause हो सकते हैं। so because it is highly infectious, so we are not using it finally to pour into the water body. so what we are doing, we are just simply transferring this primary effluent. इस primary effluent को हम क्या करते हैं, secondary treatment के लिए भेजते हैं। तो ये जो water body है, ये जो पानी हमारा है यहाँ पे, जो dark black water है, इसको हम secondary treatment के लिए भेजते हैं। secondary treatment को हम क्या बोलते हैं, जनरली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। लॉजिकल ट्रीटमेंट बोलने का रीजन ये है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेप में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द लिविंग क्रिएचर्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ऐसे बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स है जिनका इस स्टेप में हम यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां से जो डार्क वाटर आ रहा था जिसको हमने प्राइमरी इफ्यूलेंट नाम दिया था, क्योंकि इसका
बीओडी बहुत ज्यादा हाई है, तो बिकॉज ऑफ बीओडी हाई, ज्यादा बीओडी होने की वजह से, जब बीओडी इसका बहुत ज्यादा हाई है तो हमारा पहला काम होगा कि इसके बीओडी को रिड्यूस करें। तो बीओडी को रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरिएशन टैंक के अंदर इस वाटर को, ये जो प्राइमरी एफिलेंट है, इसको हम एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। यहां पर मैंने एरिएशन टैंक को ड्रॉ कर रखा है और यहां पर आप एक वीडियो भी देख पा रहे हैं, ये हमारा एरिएशन टैंक होता है। तो एरिएशन टैंक एक ओपन चैम्बर होगा, इसमें प्राइमरी एफिलेंट को भेज, मतलब कि सेंड करते हैं, इसको यहां पे पोर करते हैं। और प्राइमरी एफिलेंट में बहुत बड़े बड़े एजिटेटर्स होते हैं, जैसे गोल गोल ये दिख रहे हैं, ये एजिटेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी को इस तरीके से घुमाते हैं। तो पानी को घुमाएंगे और उसके अंदर कंटिन्यूसली हम ऑक्सीजन को सेंड करते हैं, ऑक्सीजन पोर करते हैं। तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर जो बीओडी हाई था वो धीरे धीरे बीओडी रिड्यूस होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर, जैसे ही वाटर के अंदर ऑक्सीजन को हम पोर करेंगे, ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे, तो इसी कंडीशन में, इसी समय क्या होगा, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया भी क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो गया। तो ऑक्सीजन मिलना जैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर क्या है आपका, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, तो जब एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या बनाते हैं बच्चों, फ्लॉक्स बनाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई का जो कॉम्बिनेशन, जो एसोसिएशन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये क्या करेगा, ये जो प्राइमरी एफिलेंट के अंदर, जो ये प्राइमरी एफिलेंट आया था क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा। और धीरे धीरे डिकम्पोज स्टार्ट करेगा, साथ के साथ हम उसके अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूसली इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं, साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया उसके अंदर जो कार्बनिक सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज कर रहा है। तो अब इस वाटर का जो बीओडी क्या है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। यानी इसके अंदर ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो पहले कम था, अब वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट करेगा। तो जब इसका अमाउंट सफिशिएंटली राइज हो जाता है, तो इस वाटर को बोलते हैं हम सेकेंडरी इफ्यूलेंट। और ये जो सेकेंडरी इफ्यूलेंट है, एरिएशन टैंक से सेकेंडरी इफ्यूलेंट को हम भेजते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है बच्चों, आपका ये जो फ्लॉक्स थे, फ्लॉक्स का मतलब बैक्टीरिया और ये आपका फंजाई, ये धीरे, बिकॉज ऑफ हैवीनेस, ये क्या होंगे, धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाएंगे। सेडिमेंट का मतलब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग का मतलब होता है नीचे सेडिमेंट हो जाना। तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर जो फ्लॉक्स हैं, जो बैक्टीरिया और ये जो फंजाई हैं, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हैवीनेस दे जस्ट गेट सेटल्ड, तो ये नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक बना रखा है, तो ऊपर वाला बैक्टीरिया है और नीचे वाला आपका जनरली क्या है, फंजाई है। तो ये इसको, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो यहाँ पर वाटर बचा है, क्योंकि अब जैसे ही इसके अंदर जो फ्लॉक्स थे, जब जैसे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे नीचे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ऊपर पानी बचा रहेगा। और इस पानी के अंदर ऑलरेडी क्या है, बीओडी इसका हम रिड्यूस कर चुके हैं अब, यानी इसके अंदर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन हम पोर कर चुके हैं। तो ये जो वाटर अब यहाँ पर हमें मिला है, ये अच्छा खासा प्योर हो चुका है, अब इसको हम वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो वाटर है, हम इसको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक रिवर पॉन्ड या जहां पे भी हमें ट्रांसफर करना है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज बचा है, इस एक्टिवेटेड स्लज का हम आगे भी यूजफुल एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। लाइक कि अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम भेजते हैं कहां पे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, एंड जैसे आपको पता चल रहा है कि नाम एनएरोबिक, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो जैसे ही ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर भेजते हैं, तो जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन दे स्टार्ट डाइंग, यानी क्या होंगे, धीरे धीरे वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहां पर क्या होंगे, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया वो तो मर जाएंगे, बट एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहां पर ग्रो करेंगे। और एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, इस रिएक्शन की वजह से अभी इसको क्या करेंगे, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे एक्टिवेटेड स्लज को, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनफ्लेमेबल गैसेस निकलती हैं, यानी ये ज्वलनशील गैसेस निकलती हैं, लाइक मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये हाईली इनफ्लेमेबल गैसेज निकलती हैं, इन गैसेज का यूज़ हम लाइक कुकिंग पर्पज़ में कर सकते हैं, लाइटनिंग पर्पज़ में कर सकते हैं,
और उसके बाद ये जो स्लज बचेगा, इस स्लज को हम एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फ्लज मतलब एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे, और बाकी जो गैस है, गैस का भी यूज़ हम कुकिंग पर्पस, लाइटनिंग पर्पस में कर सकते हैं। तो ये सारा का जो सारा प्रोसेस में आपने अभी समझा, ये क्या है, आपका सीवेज ट्रीटमेंट है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट होता है। होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आप इस पूरे का पीडीएफ आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।